हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय रेलवे में जो ICF कोचेज उसमें जो हमारा एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है उसका लाइन डायग्राम किस तरह से वर्किंग होती है उसको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ ICF कोच। ICF कोचेज में हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर यूज किया जाता है, तो इसका लाइन डायग्राम किस तरह से बनेगा इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये दो पाइप बनाए, ये हमारा कट ऑफ एंगल कॉक हो जाएगा, ये चार हमारी कट ऑफ एंगल कॉक हो गई, ये इसके एयर होस पाइप हो गए, एयर होस पाइप, ये कट ऑफ एंगल कॉक COAC, ऊपर वाला जो हमारा पाइप है ये हमारा फीड पाइप है, फीड पाइप में जो प्रेशर रहता है वो 6 kg/cm² का रहता है, और ये वाला हमारा पाइप है BP है जिसमें 5 kg/cm² का प्रेशर रहता है। ब्रेक पाइप से एक कनेक्शन लिया गया है, यहां पे एक आइसोलेटिंग कॉक हो गई, टू बे आइसोलेटिंग कॉक है ये हमारी, आइसोलेटिंग कॉक टू बे, इसके आगे एक डट कलेक्टर हो गया हमारा DC, डट कलेक्टर से एक जो हमारा कनेक्शन गया वो हमारा ये DB हो गया, ये इसका CR हो गया, ये हमारा DV है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व और कंट्रोल रिजर्वायर, ये तो हमने यहां से कनेक्शन लिया था ब्रेक पाइप से। अब एक कनेक्शन लेते हैं, हम यहां से ले लेते हैं फीड पाइप से, एक आइसोलेटिंग कॉक हमारी यहां पे हो गई, ये भी हमारी टू बे आइसोलेटिंग कॉक है, उसके बाद एक डेड कलेक्टर हो गया हमारा, और यहां पे एक हमारा NRB हो गया, नॉन रिटर्न वॉल NRB से जो हमारा कनेक्शन आया है प्रेशर जो है वो AR टैंक लगा हुआ है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ये AR टैंक है जिसकी कैपेसिटी 200 लीटर होती है, CR टैंक की कैपेसिटी 6 लीटर है। इस तरह से हमारा ये कनेक्शन हो जाता है। DV से एक कनेक्शन हमारा आता है, यहां पर हमारी दो आइसोलेटिंग कॉक लगी होती हैं जो बोगी को आइसोलेट करने के काम आती हैं, ये जो IC है हमारी 3-way IC है विथ एग्जॉस्ट, इनका कनेक्शन जो गया दोनों ही ब्रेक सिलेंडर, क्योंकि एक बोगी में दो ब्रेक सिलेंडर यूज किए जाते हैं, MBC जो होते हैं हमारे, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये दोनों ही हमारे BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, ये हमारा एक बोगी हो गई, बोगी 2 लिख देते हैं इसको। इसी तरह से सेम यहां पर हमारा हो जाएगा, ये भी दो हमारे BMBC हो गए, ये हमारी BOGIE 1 हो गए, तो BOGIE 1 और BOGIE 2 दो ब्रेक सिलेंडर यहां पर हैं BMBC और दो ब्रेक सिलेंडर यहां पे हैं। इस बोगी को आइसोलेट करना है तो इस यहां से हम आइसोलेटिंग कॉक को यहां से बंद कर देंगे, इस बोगी को आइसोलेट करना है तो हम यहां से आइसोलेट कर देंगे, तो इस तरह से बोगी आइसोलेट हो जाती है। किस तरह से हमारी ये प्रोसेस होती है, ये अभी एक इस ये कोच है तो कोच में हमारा एक पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम भी लगा होता है, तो देख लीजिए वो किस में लगा होता है, ब्रेक पाइप से एक कनेक्शन जाता है, ये ब्रेक पाइप से हमने कनेक्शन दिखाया, यहां पे हमने
इस तरह से, और ये जो कनेक्शन है यहाँ पे हमारी एक आइसोलेटिंग कॉक हो गई, ये भी हमारी टू वे आइसोलेटिंग कॉक है, और यहाँ पे हमारा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म डिवाइस है, PEAS, पीज इसे हम कहते हैं, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, ये इस तरह से। तो यहां पर आप देख लीजिए ये हमारा लाइन डायग्राम बनके तैयार हो गया। टोटल आइसोलेटिंग कॉक, पांच हमारी आइसोलेटिंग कॉक यूज की गई हैं। देखिए दो आइसोलेटिंग कॉक ये हैं, तीसरी चौथी और ये हमारी पांचवी आइसोलेटिंग कॉक ये लगी हुई है। तो पांच आइसोलेटिंग कॉक हैं, डर्ट कलेक्टर डीसी, दो डर्ट कलेक्टर हमारे लगाए गए हैं, एक डर्ट कलेक्टर ये है और एक डर्ट कलेक्टर ये हो गया। एनआरबी नॉन रिटर्न वाल्व, एक एनआरबी लगाया हुआ है। एआर टैंक, एक एआर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 200 लीटर है। सीआर, एक सीआर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 6 लीटर है। डीबी, एक हमारा डीबी है। ब्रेक सिलेंडर बीएमबीसी, चार ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं, दो एक बोगी में है और दूसरे दो एक बोगी में है। कट ऑफ एंगल कॉक सीओएसी, कट ऑफ एंगल कॉक, चार कट ऑफ एंगल कॉक हैं, एक दो तीन चार, तो ये हमारी चार कट ऑफ एंगल कॉक हैं। एयर हॉस पाइप, कितने एयर हॉस पाइप है हमारे, तो एक एयर हॉस पाइप, ये दूसरा एयर हॉस पाइप, तीसरा चौथा, चार हमारे एयर हॉस पाइप है। तो ये मेन मेन जो आइटम थे वो मैंने आपको बताए ब्रेक सिस्टम ऑफ आईसीएफ को चीज में। एक हमारी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम लगाई गई है। अब इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम में हमारी चार प्रकार की प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी चार प्रकार की प्रोसेस होती हैं? सबसे पहले जो हमारी है वो है चार्जिंग, सेकेंड हमारी एप्लीकेशन, थर्ड हमारा रिलीज, एंड नंबर चार जो है हमारा वो मैनुअल रिलीज। ये चार प्रोसेस हमारी एयर ब्रेक सिस्टम में होती हैं। दोस्तों अभी मैं इस वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में चारों प्रोसेस को आपको लिख के समझा दूंगा। देखिए दोस्तों चार्जिंग को अगर हमें समझना है तो चार्जिंग में कैसे होता है, ब्रेक पाइप से, देखिए ब्रेक पाइप से प्रेशर आया हमारा डीबी, डीबी ने सीआर टैंक को चार्ज किया 5 kg के प्रेशर से, और यहां से कनेक्शन किया एआर टैंक में, तो एआर टैंक भी हमारा 5 kg से चार्ज हो गया। तो 5 kg तक तो बीपी प्रेशर से चार्ज हो जाता है, बाकी आगे 6 kg तक, क्योंकि एआर में जो प्रेशर रहता है ट्विन पाइप सिस्टम में हमेशा 6 kg का प्रेशर रहेगा एयर टैंक में, 200 लीटर कैपेसिटी है, तो आगे जो 5 kg तक तो ब्रेक पाइप से चार्ज हुआ थ्रू डीबी, लेकिन आगे जो चार्ज होगा वो फीड पाइप से जो हमारा लाइन आई है उससे ये 6 kg तक चार्ज होगा। ये तो चार्जिंग हो जाती है। चार्जिंग के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं? एआर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से नहीं होता है, ब्रेक सिलेंडर जो हमारे ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन एग्जॉस्ट पोर्ट से होता है। यहां पर डीबी में एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, ब्रेक सिलेंडर जो है हमारे ड्यूरिंग चार्जिंग में, ब्रेक सिलेंडर में कोई भी प्रेशर नहीं होता है। चार्जिंग के दौरान कहां कहां कितना प्रेशर होता है? सीआर में 5 kg का प्रेशर होगा, एआर में 6 kg का प्रेशर रहेगा, ब्रेक सिलेंडर में 0 kg का प्रेशर रहेगा। तो ड्यूरिंग चार्जिंग मैं प्रेशर लिख देता हूं, डीपी प्रेशर 5 kg, एफपी प्रेशर 6 kg, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 0, एआर टैंक का प्रेशर 6 kg, और एक हमारा रह गया सीआर टैंक का प्रेशर 5 kg। ये चार्जिंग के दौरान ये चीजें प्रेशर रहती हैं सबके। अब कनेक्शन किसका होगा? तो ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन एग्जॉस्ट से होता है, एआर का कनेक्शन ब्रेक बीपी पाइप से डीबी के थ्रू होता है, और बीपी पाइप से ही सीआर का कनेक्शन रहता है। ये तो चार्जिंग में हो गया। एप्लीकेशन में क्या होगा? ब्रेक पाइप के प्रेशर को ड्रॉप किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक पाइप का प्रेशर कम होगा, डीबी उसको सेंस करता है कि ब्रेक पाइप का प्रेशर सीआर के प्रेशर से कम हो गया। सीआर में 5 kg का प्रेशर है, बीपी में मान लिया 4.5 का प्रेशर है, तो उसको ये डिफरेंस, जैसे ही डिफरेंस हमारा ज्यादा होगा 0.6 से, डीबी
ER से कनेक्शन कर देगा ब्रेक सिलेंडर का, तो ER से जो प्रेशर है वो DV के द्वारा ब्रेक सिलेंडर में जाने लगेगा और ब्रेक हमारे अप्लाइड हो जाएंगे। कब होगा? जैसे ही DV का प्रेशर 0.6 के DV में जो प्रेशर है या ब्रेक पाइप का प्रेशर 0.6 से ज्यादा ड्रॉप होता है, तो इन दोनों के डिफरेंस को CR और ब्रेक पाइप के डिफरेंस को वो DV कंसीडर करेगा और AR को ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट कर देगा। AR से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाना शुरू हो जाएगा और हमारे ब्रेक लगना शुरू हो जाएंगे। ये चार्जिंग है। एप्लीकेशन में चार्जिंग मैंने आपको बता दी। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि ब्रेक पाइप का प्रेशर BP ड्रॉप, ब्रेक पाइप का ड्रॉप अगर हम 0.6 से मोर करेंगे तो क्या होगा, AR का कनेक्शन किससे हो जाएगा, ब्रेक सिलेंडर से हो जाएगा और 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में चला जाएगा। 0.6 में अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1.5 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में चला जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन के दौरान हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन के दौरान सभी बीपी का प्रेशर जो होगा 5 kg से कम हो जाएगा, फीड पाइप का 6 kg ही रहेगा, ब्रेक सिलेंडर में 1.5 kg का प्रेशर हो जाएगा और AR में अभी भी हमारा 6 kg का प्रेशर रहेगा, CR में 5 kg का प्रेशर रहेगा। ये हमारी एप्लीकेशन हो जाती है। ब्रेक सिलेंडर का जो कनेक्शन एग्जॉस्ट से था वो खत्म हो जाएगा। ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन किससे बन गया, AR से बन गया, ठीक है। रिलीज टाइम पे क्या होगा, रिलीज का मतलब होता है रिचार्जिंग, यानी हमें पूरे सिस्टम को फिर से चार्ज करना है। तो चार्जिंग में हमें मालूम है कि ब्रेक पाइप में 5 kg का, तो ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक पाइप में 5 kg का प्रेशर बनाएगा और हमारी जो प्रेशर स्टार्टिंग में था वैसा ही हो जाएगा, यानी जो चीजें चार्जिंग के दौरान थी सेम हमारा कंडीशन यहां पे हो जाएगी। दोस्तों अभी मैंने आपको चार्जिंग, एप्लीकेशन, रिलीज, ये तीनों चीजें बता दी। मैनुअल कैसे करते हैं, ये हमारा डीवी में एक यहाँ पे क्विक रिलीज वाल्व QRV लगा होता है। इस वाल्व को जैसे ही हम थोड़ा सा खींचते हैं तो सबसे पहले तो ब्रेक सिलेंडर में जो भी प्रेशर होता है वो हमारा निकल जाता है, उसके बाद थोड़ा सा और पुल करेंगे तो CR टैंक का जो प्रेशर है वो हमारा खाली हो जाता है। तो CR टैंक को जब भी हमें खाली करना होता है तो वो हम क्विक रिलीज वॉल्व से मैनुअल रिलीज के द्वारा ही कर सकते हैं, यानी मैनुअल रिलीज हमें CR टैंक को जब भी ड्रेन करना होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको ट्विन पाइप सिस्टम को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो इसका जो होगा जिसमें हम इन चारों प्रोसेस को रिटन वे में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए हो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।